परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। साहब जैसे नए सूर्य को निकलना होगा और चेंज करना होगा। बहन कुमारी मायावती को आदर्श नेता मानते हुए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, लग जाएंगे और परिवर्तन को करके दिखाएंगे। सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे। हमें सत्ता परिवर्तन करना है, हमें तख्ता पलट नहीं करना। याद रहे कि हमें कोई आर्मी नहीं बनानी, जैसे बहुत सारी आर्मी है। सारे युवाओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, किसी भी आर्मी के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। हमारी पार्टी है, पहले से एग्जिस्ट करती है, माननीय कांतिराम साहब ने उसे खड़ा किया है। हम उस पार्टी के लिए समर्पित हैं, जिएंगे और मर जाएंगे। जब आशा के दीप जलाते हैं तो परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। कोई कब तक हमको मूर्ख बनाएगा, नया सवेरा निश्चित ही आंगन में आएगा। नया सवेरा निश्चित ही आंगन में आएगा। हिंदू की खातिर मरने के अरमान मचल जाते हैं। परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। इस रचना का मैं अंतिम बन रहता हूँ आपके सामने कि उनको क्यों आवाज लगाना जिनके कान नहीं होते। आशा छोड़ो, सब अच्छे इंसान नहीं होते। परिश्रम के पथ पर आराम के छांव नहीं होते। सत्य अहिंसा के पथ लेकिन आसान नहीं होते। सत्य अहिंसा के पथ लेकिन आसान नहीं होते। कोई धरना प्रदर्शन गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने हजारों अधिकार एक भी आदमी के मरे बिना हम लोगों को दिलवा दिए। एक आदमी की जान नहीं गई और हजारों अधिकार हमें मिल गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्य अहिंसा के पथ लेकिन आसान नहीं होते। ज्ञान तर्क से नए यहाँ सिद्धार्थ निकल जाते हैं। परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। अंधियारों में जब आशा के दीप जलाते हैं तो परिवर्तन के नए दिवाकर निकल ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।